जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? मोलैरिटी के बारे में। ओके, तो आज हम मोलैरिटी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, इसे देखते हैं। बहुत इजी है ये। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे भी आपको काम आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको सबको बहुत ध्यान से करना है और इसे स्किप नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रहने देते हैं या न्यूमेरिकल से आप भागते हैं। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको ये समझ है। ओके, तो आप कोशिश करिए कि आप इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट से भी आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, पहले आप पूरा फोकस अपना रखें, यहाँ समझने की कोशिश करिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है कि हमें सॉल्यूशन कितना बनाना है। देखिए, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, यानी जो आप बनाने वाले हैं सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो वो कितना है? 250 ml। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है यहाँ पर? NaOH का फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए, यानी आप जो सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जैसे शुगर या सॉल्ट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? NaOH का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो NaOH होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप कैलकुलेट करेंगे अगर इसका मास, तो आपको पता होगा कि सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये टोटल होगा 40। ओके, NaOH का मास होता है 40। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया था 4 ग्राम। अब हम ये मोलर मास था इसका, अब हम W की बात करें तो ये क्या गिवन है? 4 ग्राम गिवन है। M की बात करें तो M गिवन है 40 एंड इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 250 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है। और हम जानते हैं कि मोलैरिटी के फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद है आपको, मैंने कहा था कि सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स पे मैंने आपको हाईलाइट करके बोला था कि ये याद रखना है आपको। अब देखिए, हम बात करें कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, यानी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला W बाई M होता है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए, यहाँ पर 250 ml दिया हुआ है, इसे अब अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा? आप जानते हैं सब लोग, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 250 ml क्या होगा? इट इज़ जस्ट कितना है? 1/4। ठीक है, तो हम बात करेंगे 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 250 upon 1000। इसे आप ऐसे कैलकुलेट करें तो 25 × 4 = 100 होता है, तो यहाँ 1/4 आ गया नीचे। और W/M की बात करें तो W क्या है? 4 ग्राम। M की बात करें तो है 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4। देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो कैलकुलेट किया 1/4, अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको 4/40 डिवाइडेड बाई 1/4, ये ऐसे होता है कैलकुलेट। ओके, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 40, यानी इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 10 times जाएगा और 4/10, यानी कि अगर हम इसे करें कैलकुलेट तो 0.4 आ जाएगा। ओके, 4/10 इज 0.4। यहाँ आप देख सकते हैं, अब बुक में भी 0.4 मोलर आंसर आ गया है। 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 g upon 0.250 liter, ऐसे कैलकुलेट कर दिया, 0.4 आ गया। और मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके बता दिया, आप ऐसे भी अपनी कॉपी में डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोलैरिटी हो चुका है, मोलैलिटी, मोलल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मोलल, LAL। इसमें क्या डिफरेंस था? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, अब नीचे जो था उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, और यहाँ पर लीटर नहीं, क्या है? kg, 1 kg सॉल्वेंट। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m।
ये भी बात हो चुकी है कि स्मॉल एम से इसका फॉर्मूला स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये याद रखना है फार्मूला, फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल में डेविएट हो, आपको लगे कि ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, ओके। प्रॉब्लम इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मास किलोग्राम और वॉल्यूम लीटर, या किलोग्राम को ग्राम में लें और लीटर को ml में लें, तो इसलिए डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर ml। यहाँ कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या दी हुई है, मोलैलिटी दी हुई है और फॉर्मूला दिया हुआ है सॉल्यूट का, डेंसिटी दी हुई है और हमें बताना है मोलैलिटी पता करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मोलर का मतलब मोलर की डेफिनेशन क्या थी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, मोलैरिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर में जितने मोल उसके प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसकी मोलैरिटी कहते थे, ओके। सो इट इज़ रिटन दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर। देखिए मोलर को हमने डायरेक्ट लिख लिया मोल पर लीटर, क्योंकि जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है 1 लीटर में उसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 3 मोल उसके प्रेजेंट हैं। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का मास कितना है, NaCl का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो सिंपली आपको पता है NaCl का मास हम कैलकुलेट करेंगे NaCl, Na का होता है 23 यानी सोडियम का और क्लोरीन का होता है 35.5, सो इट विल बी 58.5, सो इट इज़ रिटन 58.5। अब देखिए ये बात करें 1 लीटर में, अब यहाँ बात हो चुकी कि पर लीटर इसके कितने प्रेजेंट हैं, 3 मोल्स, इसलिए 1 NaCl का मास इतना होता है, और हम यहाँ बात करें 3 मोल की, मोलैरिटी 3 है, इसलिए 3 × इट्स मास, NaCl के मास में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ मोलैरिटी 3 थी, 3 मोल, तो इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वह आ रहा है 175.5 ग्राम इन 1 लीटर, इतना NaCl का मास प्रेजेंट है। अब मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर लीटर में नहीं लेना, हमें मोलैलिटी में क्या करते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, इसलिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर यानी 1000 ml या 1000 ग्राम में लेंगे और हम इससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 × 1.25, सो इट इज़ 1250 ग्राम। मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, अब आपको देखिए पता करना है मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया उसमें वाटर का कितना मास है, तो टोटल मास जो हुआ वो क्या है 1250, उससे हम डिडक्ट कर रहे हैं किसके मास को, किसके मास को डिडक्ट करेंगे, NaCl के, ओके NaCl के मास को हम डिडक्ट करेंगे, तो हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर ये रिटर्न है 75.5 जो कि गलत है, 175.5 होगा, ओके तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, 175.5 होगा, ओके ये वाली क्वांटिटी, सो यहाँ आएगा 1074.5 ग्राम। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फिर से देखिए पहले ही दिया हुआ था 3 मोल, और अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अब हमने पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.0745 हो जाएगा किलोग्राम में, और हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है, आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हम डिडक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ हम सॉल्वेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को डिडक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, ये आ गया, अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2.79 मोलल, ओके स्मॉल एम का मतलब होता है मोलल,
अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेंस अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। मोलल जब होता है स्मॉल m, तो स्मॉल m टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये किलोग्राम में लिया गया है। और एक चीज़ थी मोलैरिटी इस कैपिटल m, कैपिटल m में क्या था, उसमें वॉल्यूम इन लीटर था, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो लिक्विड आपको पता है इवेपरेट हो जाता है, ठीक है, इवेपरेट होके उसका वॉल्यूम अफेक्ट होगा तो कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। ओके, थैंक यू।